that I'm past. जय जगन्नाथ। प्रार्थना टीवी अगणित दर्शक वृंद को आमे आमर ए बादीपाला मंच को स्वागत करुचु। बादीपाला मंच रे आमे परिवेषण करिबु पाला प्रसंग अष्टवज्रर द्वितीय भाग। प्रथम भाग आपण माने सुनि सारिछंती। जेउ गायक द्वय प्रथम भाग परिवेषण करथिले सेमाने मध्य ए भाग रे अछंती। सेमाने हेले गायक कलारत्न सूर्येश्वर मार्था बा मित्र प्रेमवद मार्था एवं तांकर प्रतिवादी पाला गायक अछंती गायक सागर त्रिलोचन बेहरा पांड्रा भुवनेश्वर। तबे सही प्रसंग अभिशप्ता उर्वशीर उद्धार पाई किपरि अष्टवज्रर मिलन होइछि अष्टशक्तिर मिलन होइछि सही प्रसंगर द्वितीय भाग आमे एबे शुणिबा। मंचमंडन करिछंती गायक कलारत्न सूर्येश्वर मार्था। आमे वर्तमान तांकु अनुरोध करिबा से पाला परिवेषण करि। सम्मानीय सुधी समाज जहा हो कोड़ा सागर भाई मोर सागर ज्ञान सागर सागर त्रिलोचन बेहरा महोदय पहुंचाई दल वर्तमान घोटकी आउ राजा दंडी दंडी। अच्छा मु तो प्रथम अर्घ्य रे सही जाए नहीं थी सही जाए तमे आउ द्वितीय पाखुड़े विषय तो आग को चके गड़ी देख रशु साहित्य कथा सुंदर पद गाइल गाइल कौन कहीं तत्व कहीं भागवत कथा गीता कथा कहीं एत कथा प्रथम अर्घ्य दीदी चार पद कही आलोकपात है। अच्छा मो गए प्रश्न भी देखा राजा दंडी घोटकी को धरी धरी अछंती से दिन बेस कोठी कोठी स्थान टा कोठी हां स्थान हो हस्तिना कटक कटक भगवान कृष्ण को कथा अच्छा कृष्ण को कथा जदी कहिलो हां गोटे पद गाई न गाई दन न जदी मणि महापात्र हां हां काव्य हला प्रबंध पूर्ण चंद्र बाबा ले सुमति देई विचार सुमती अमोधे मध्य निर्माण सी संसार
पद गाइलनि सुंदर स्वर अछि हा हा गाई थांदो सेदिन भगवान कृष्ण बाबा देखिले घोटुकी को नहीं जाऊ छथि राजा दंडी जदि दंडी राजा नहीं जीवे ये देव संपद तबे असुविधा ही जीव एयो आउ देव संपद फेरी पाइबनी एक कथा को न्याय को आख्या के रखी से घोटक को पाइया पाई चिंता करे भगवान कृष्ण किंतु दंडी राजा को न्याय रे से चिंता कोले कोन हुए तो मो पत्नी को ये भगवान कृष्ण नेबा पाई चाहुछन जते भले भगवान कृष्ण जादव सैन्य को धरी ये से दिन राज्य को आक्रमण कले से दिन राजा दंडी ये घोटकी को संगत धरी पल निघंस अरण्य बारण कांदुंत कांदवा अवसर से दिन हस्तिकिना कटक ये गोटे झियो गोटे बहू से बहू टिके ना से होछंदे आपनंक सुभद्रा अर्जुनंकर पत्नी सुभद्रा सखीमानकु संगत धरी जाइछंते स्नान करि स्नान करि ये स्नान करबा कु जिबा बेले हठात कांदुछंदे राजा दंडी कांदुची घुटकी चमकी पड़िले सुभद्रा डाकिले सखी सखिलु कोन कहुना ये निघंच कानन रे कहार ए कंठ स्वर किए से कांदु छिबा जाई पहुंचले देखिले से अन्य केहि नहुंती ना ए होछन उजयनीर हां राजा दंडी दंडी चमकी पड़िले हां सुभद्रा कहिले अच्छा कहले हे राजन राजन कोन पाई कांदु छ ए घोटो के कुधई कांदु छ कहिले सेठी राजा दंडी दंडी कहिले कहले किए से तुम्हें वीरंगना आहा किए से तुम्हें मु ये घोटो कि नहीं ये होछती मोर पत्नी ये होछती अन्य केही होंती ना ये स्वर्गर उर्वशी जने रूपवती नारी ये उर्वशी आज घोटो कि अभिशप्त रूप रे जीवन यापन कर हेले हेले ठीक कांदिवार कारण कारण ना से अन्य केही नहुंती जनक भय रे मु एथे आज कांदुछि हा हा सेले भगवान नामय कृष्ण रे चमकी पड़े सुभद्रा मो भाई कृष्ण कहीं द्वारकाधिपति कहीं कले मातृवत परदार मो भाई पुणी एत बड़ अन्याय कले एक मुझे सही पार से दिन कहले किए ना सुभद्रा कहला रखिली रखिली बोली उच्चारे रक्षा देवी मु रखिली रखिली सत्य करूछि तुमको सत्य न्याय देवी बेस ए कथा विचार करी से दिन सुभद्रा पहुंचले अंतपुरे बेस मन दुख रे बसी छथि पहुंचले एतिक बेल रे भगवान कृष्णकर अति आपणार प्रिय सखा अर्जुन जे कि सुभद्रांकर स्वामी देखिले बसी छथि सुभद्रा मान करी बसी छथि डाकिले डाकिले पदटी चतुष्पदी गाइबा 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 किए लेखक कहले भांकांकर चतुष्पद अच्छा कहले एडे गुमान गुमान कहले एडे गुमान गुमान आज कही की रे प्रिय सजनी ये चतुष्पदी चारिटा भाषा चारिटा भाषा रे ओडिया ओडिया बंगाली बंगाल हिंदी इंग्लिश इंग्लिश ओडिया आसला एडे गुमानो आज काहे कि रे प्राण सजन आसीबो हिंदी हिंदी तले तुम मेरे प्यार है तो तुम मेरे प्यार है तो जिंदगी काढ़ा तुम मेरे प्यार अर्जुन कौन पाए गुमान कौन है आसो बंगला आसल बंगला तुम्हें बंगला कहे हे सुंदरी कहीं मान कर आसो इंग्लिश ये देखंतु कवि कर सूक्ष्म चिंताधारा कौन कहले कहले यू आर माय बेस्ट लेडी यू आर माय बेस्ट लेडी व्हाट डू आई केयर यू आर माय बेस्ट लेडी
सेट्स माय बेस्ट हैट ऑफ सेट्स माय बेस्ट हैट ये कांग्रेचुलेशन ये अर्जुन डाकिले हां सुभद्रे भद्रे स्वामी कोन हिची कथाटा काहे कि तू एत आज एते मान कर स्वामी उडे प्रश्न दैथिले मो पाई हां 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 भेर भाई हां हां कले गीता आपण श्लोक गाइले हां हां गीतार श्लोक संख्या के केते केते हां धन्यवाद हां हां अति सुंदर प्रश्न फाकर तोळी आगो अति सुंदर प्रश्न हां कृष्ण दौपायन व्यास 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 गीतार श्लोक संख्या 700 श्लोक वाह कले सत्य किनो हां आपण मान कर संस्कृत महाभारत श्लोक 100,000 हां नहीं हां हे गुरु गुण ग्रही आज विषय चलिए दंडी राजा हाँ। दंडी राजा को उद्धार करने सुभद्रा हाँ। अच्छा सत्य रक्षा हम हाँ। मत प्रश्न टेले तार प्रश्न उत्तर उत्तर अच्छा ये दंडी राजा ये हाँ। दंडी गोटे सुंदर पुराण लिखी देखिया कह भाई मोर दंडी को रचयिता काव्यर ना कौन तेबे शरीर सुभद्रा डाकुछंते अर्जुन डाकिले धूमपा सहित बाजी बाबा दियो झीणा किटा तारी खिटा झीणा झीणा किटा तारी खिटा झीणा झीणा किटा तेबे पदटिए अर्जे कले बाळा चाहि रे चाहि जे बाळा चाहि दे बाळा चाहि दे हसी रे बाळा रसला रतन जमत फरक जा रतन जमत पर चेले को ती सर सर चाही से हसी रे बाला रसला जखी रे बाला रसला रसी रे हे सुभद्रे काहे केते बड़ मान करी छी हां ताकिला से दिन सुभद्रा सुड़ी चमक की भरिले हां कृष्ण स्वामी स्वामी मु तुमको गोटे कथा कहबी हां मु मान करिवार कारण कारण मु जे सत्य कर जाय छी जने राजा को निकट राजा को निकट रे से हो छथि राजा दंडी दंडी ये दंडी राजा हां ताको पत्री को हां भगवान कृष्ण बेश बारंबार चिंता कले नेबा पाई नेबा पाई किंतु तुमको मु एतकी मागु छी हां के न्याय मागु छी हां हे प्रभु प्रभु हे स्वामी स्वामी तुम ये दंडी राजा को न्याय दियो दियो मु सत्य कर छी ताको न्याय देबा पाई हां तू ये भगवान कृष्ण का सहित ये युद्ध यात्रा करो चमकी पड़िले कले हाँ तो मो द्वारा संभव नुह सुभद्रा गले द्रौपदी पाख को सुभद्रा कले बड़ भगिनी तुम्हें चाहिए मोर सत्य आज रक्षा हम द्रौपदी कले कौन ना भगिनी कहते द्रौपदी को सुभद्रा कले भौनी बड़ भौनी ये दंडी राजा गोटे पड़ी जाई गोटे सूक्ष्म चिंताधारे जो दंडी राजा पत्नी जी उर्वशी स्वर्गर उर्वशी से दिन में घोटकी राति सुंदरी किंतु से उर्वशी को पाइबा भगवान कृष्ण लालायत तेणु तुम्हें एति कर ये समस्त पांडव बाम आम ए भाई मान को नहीं आम देव द्रौपदी कहले एतिक न्याय तो कथार अच्छे मनुष से बेले मरे मनुष से बेले असम्मान हुए ना जिते बेले मनुष्य मद्य पिए जिते जुआ खेले जिते बेले पर नारी को हरण गाइवा श्लोक समय ना एतिक न्याय कहते सब पांडव मान को वीरवेश द्रौपदी सुभद्रा माँ देखीदे आ कुंती रखी देले कोन हिची ये कोन वीरवेश की कथा ये कहां सहित युद्ध युद्ध आरंभ करिया बाजिला वीरवाद्य हां बाजिला शंख ध्वनि हां देले वीरवाद्य शंख ध्वनि बाजिला मां चमकी पड़िले हां डाकिले युधिष्ठिर हां भीमा अर्जुन नकुल सहदेव हां ये युद्ध कहां पाई ए युद्ध कहां पाई कृष्ण का विरुद्ध रे ना से अन्य केहिन होंती ए भगवान भला परम कपटी शेख हरी तारो पाई सा
ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କପଟି କୃଷ୍ଣ। ଏ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡୀ ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ହସି ଦେଲେ କୁନ୍ତି, କହିଲେ ନାହିଁ ରେ ବାବା, ସେମାନେ ଆମର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ତମେ କେହି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି କହୁଛି, ନାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଏଇଠି ମନ ପଡ଼ିଗଲା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଜପାମାଳ, ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଜପାମାଳ ଧରି ଏଇଠି କୁନ୍ତି ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ରହ, ଏଇଠି ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ, ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ମିଳନ ହବ, ନ୍ୟାୟ ସମାପନ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ ଭାଇ, ବେହେରା ଭାଇ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଥାଟ କାଟ କରିକି ନେବେ, ସରଳିଆ ଗାଈ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ହବ, ଶ୍ଲୋକ ଥିବ, ତେବେ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ପଦଟିଏ ଦୁହା ବୋଧଟିଏ କେଲା ପ୍ରଭୁ କେଲା ଭାଇ ମନରେ, କେଲା ଭାଇ ମନରେ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳ, ଭାଇ ମନରେ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳ, ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିବ, ଭାଇ ମନରେ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାର ପରମ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଂଶ ବିଭୂତି, ଯିଏ କଳାଧାରୀ, ସେ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଅଂଶୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତାରୀଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଏକ କଳାଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଏହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସଦାସର୍ବଦା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ସବୁବେଳେ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ବଳ ନେଇ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ମିଳନ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାୟକ କଳାରତ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟେଶ୍ୱର ମାର୍ଥା, ସେଇଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଗାୟକ ସାଗର ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା। ଆଜି କି କଲୁ, ଆଜି କି ବୁଦ୍ଧି କଲୁ, ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମେ, ସେଇ ସେଇ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମେ କିମ୍ପା ମଜିଲୁ ରେ, ଆଜି କି କଲୁ, ଆଜି କି ବୁଦ୍ଧି କଲୁ, ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମେ କିମ୍ପା ମଜିଲୁ ରେ, ଆଜି କି କଲୁ, ଆଜି କି ବୁଦ୍ଧି କଲୁ, ବିଛା ମନ୍ତର ନ ଜାଣି ରମଣି, ଇଚ୍ଛା କଲୁ କୃଷ୍ଣ ନାଗର ମଣି, ବିଛା ମନ୍ତରୁ ଜାଣି ରମଣି, ଇଚ୍ଛା କଲୁ କୃଷ୍ଣ ନାଗର ମଣି, ମିଛ କଥାଟାରେ ତୁଛାଟାରେ ମାରି, କଲୁ ରେ ଆଜି କି କଲୁ, ଆଜି କି ବୁଦ୍ଧି କଲୁ, ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମେ କିମ୍ପା ମଜିଲୁ ରେ, ଆଜି କି କଲୁ। ହେ ମୋର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା
ବାରିପାଲା ମଞ୍ଚର ମଞ୍ଚର ବିଷୟ ବିଷୟ ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ମିଳନ। ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାୟକ ମାର୍ଥା ଭାଇ, ମାର୍ଥା ଭାଇ ଜମା ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜମା ବିଷୟ ଭାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଆଏ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ବସିବେ, ସୁତ ଢାବା ସୁତ ଢାବା, ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରୁନି, ଅନେକ ଥର ପାଲା ହେଇଛି, ଭଲ ପାଲା, ଆଜି କାଇଁ ମୋ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ। ଆ ଭିତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ଆସିବି, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ବୋଲିଲେ କହିଲେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଦ୍ୱାରିକାପୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କାହିଁକି ସେଠି ଲାଗିବ, ଅଛି ଜିନିଷ ବୋଲି କଣ ଯୋଉଠି ଯାହା ଲଗେଇଦବା, କାନ ଜିନିଷକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗେଇବା, ଗୋଡ଼ ଜିନିଷକୁ କାନରେ ଲଗେଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟାଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡି ପର୍ବ ଯୋଉ ରାଜା ଦଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟର ନାଁ କଣ, ଦଶକୁମାର ଚରିତମ। ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଦଶକୁମାର ଚରିତମ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହିଲା, ଏଣିକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ବିଷୟ କଣ ନା ଯୋଉଠି ଥିଲା ତ ସେଇଠି ରହିଲା, କଣ ନା ଦ୍ରୌପଦୀ କଥା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ମନା କରିଦେବେ, ଭୀମକୁ କହିଲେ ଭାଇ ଆଦେଶ ଲୋଡ଼ିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, କେମିତି ଯିବି, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ମନା କରିଦେବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନା। ଭୀମକୁ କହିଲେ ଭାଇ ଆଦର୍ଶ ନ ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି, କହିଲେ ଶ୍ରବଣେ ପାର୍ଥ ବୋଲିବେ କୃଷ୍ଣ ସଖା ମୋର। ବହିର ପଦ ନ ଜାଣିଲେ କେତେ ଢାବା, ଢାବା କଥା ମିଶିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଶୁଣ, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ସୁଭଦ୍ରା, ଯଦି ତୃତୀୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିବି, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କଣ, ମୋର ସେ ସଖା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବନି, ନକୁଳ ସହଦେବ ମନା କରିଦେବେ। ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର, ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର କଣ, କେତେବେଳେ ସେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର କାମ କରେ, କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ, ଅଭିମାନ କରି ବସନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ନାରୀ, ନାରୀମାନେ ସେଇ ଅଭିମାନକୁ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ସବୁ କଥାକୁ ସେ ଆଦାୟ କରିଲେ। ସେଦିନ ଅଭିମାନିନୀ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ସେ, ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ପାଲା ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଭାଇ ଏମିତି କଲେ କଣ ହବ, ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ବା, କମଳାକାନ୍ତ ଚୌଦିଶା ପୁଣା କାଳିଆ ସ୍ୱର ପଦେ ବଢିବ, କମଳାକାନ୍ତ ଚୌଦିଶ ମାନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି, ଚୋଖି ରାଗ ପୁଣା କାଳିଆ ସ୍ୱର ବୋଲି, ଆଉ ଇଏ ରଣପୁର କଣ ସେ ଢୁମ୍ପା, ଏ କଣ ଢୁମ୍ପା, ନାଇଁ ଭାଇ ଏମିତି ନୁହଁ, ରହ ବୋଲୁଛି କଣ କହିଲେ, କମଳାକାନ୍ତ ଖମ।
पुरुणा कालिया सोर पुरुणा कालिया छंद ए छंद आ पाला वाला घोषणा आ वो पाउ तो ना ए टिके घोषणा पाई भारी कष्ट आ अर्थ टिके स्वतंत्र कोन ना कमला कांत बाहन कमला किए कमला लक्ष्मी कांत नारायण बाहन गरुड भक्ष्य भक्ष्य गरुड गरुड भक्षण करे काकु सर्प धारण करछि सर्प को किए धारण शिव शिव कमला कांत बाहन भक्ष्य धारी नारी नारी किए शिवंकर स्त्री पार्वती जान सिंह सिंह र शत्रु शत्रु सिंहिका सिंहिका जेमति राहु राहु चंद्र को गुली दिए आज सुभद्रा चंद्र मुखटा मलिन पड़ी जाए देखु ना अर्जुन देखु सुभद्रा मलिन पड़ी जाए मुख बस सुभद्रा मान कर कनकपुर जहार तारीपुत कनकपुर सुवर्ण सुवर्णपुर लंका कटक रावण कार रावण कनकपुर जहार ता रिपु रावण शत्रु राम दूत हनुमान भंडार गाल करिछि पानी संयोग रविसूत रविसूत कर्ण कर्ण पानी हस्त को एम करि बसि कानरे हाथ दई बसछन बोले कुचे पड़े को जल पानी 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 उच्च रे पानी गुडा को धार धार आखिर नयन नयन नीरव ना शिवंक मस्तक जल ढाती कुचद्वय को शिवलिंग प्रमाण करा गोटे छांद पंदर मिनट समय पल दस कथा कहली बेकार नाई शुणु सुभद्रा मान कर अर्जुन आस पहले कौन कहीं अभिमान कर कौन कहले ना मो भाई द्वारिका राजा भगवान कृष्ण आज अन्या रे जने राजा को राज्य रु तली देछन घोट घटी को धरी से कांदुछन ना कौन कहछ प्रिय कौन तुम दरकार ना काले सखाळु कृष्ण को विरुद्ध रे तमे युद्ध करिया पाई जे अर्जुन चिंता रे पड़ी गले बोले एडे बड़ कथा कथा मु तो कहि परबिनि आदेश दे परबिनि बड़ भाई अछंती तांक बिना परामर्श रे युद्ध करि परबिनि मु युद्ध करि परबिनि ना 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 एथि जाई छंती केसे ना अर्जुन युधिष्ठिर भीम भाई मान को कहि छंती आबे कृष्ण को सहित युद्ध करिबा अन्याय करि छंती से बापा मान हम बालियंता हम बालियंता बालियंतार जने कवि तांको ना होची भमर भर उझा केते प्रकार कवि पांडव माने सोदु छंती आ हिंदी रे इंग्लिश रे कोन मानवंजन करिया चौपद ए पर ओडिया संस्कृति एते इंग्रजी बोला हबनी इंग्रजी को हबनी एते भाई को मुंडा आज काम करू नहीं मो वार्ता भाई भाई मुंड काम करू कौन है जान भल गायक शुणु कौन कथा आम बालियंता कवि भमर बरोझा कृष्ण को गाली देले असभ्य भाषा रे गाली देले कहले एटा सळा चुटी कटा कळा बदन ये जारज सळा गौर नंदन बाबुआ केला ओई थाकिया बाबुला केला ओई थाकिया एटा गोई थाकिया गोलाम भातुआ गोई थाकिया गोलाम भातुआ ये नियागिरा साहसिया जे नियागिरा साहसिया जे ये नियागिरा साहसिया जे नियागिरा साहसिया जे ये तोर खंत डकाय तो छुटी कोटा घर पोड़ा बापिया जे कौन कहले ना सळा चुटी कोटा कळा बदन सळा चुटी के काटी देले जानि रुंकमणर कळा बदन देखिया को कालियाटा हां देखिया पई कालियाटा जाति रे गौड़ दीटा बापा एटा नियांगिया बाहापिया साहसिया संडो मारिछि ब्राह्मण मारिछि सी एड़ बड़ अन्याय करूछि आज ता सहित हमें युद्ध करिया पई जी हाय हे मोर साधु संत ज्ञान पंडित विवेक महोदय विचार करंतु आज पांडव मान युद्ध को बाहर जिते युद्ध को बाहर केमी युद्ध को जीवे भगवान कृष्ण विरुद्ध युद्ध को जीवे केमी मा कुंती जो अक्षमाला को धरी स्मरण करा पिला माने जन्म नहीं धर्मराज युधिष्ठिर से अक्षमाला धरी मा कुंती
स्मरण कले देवता मान पूर्व स्वामी मान देवता मान चिंता बाहर के चलने युद्ध करने कृष्ण बलराम जादव सैन्य मान को नहीं जो आस देखिले पांडव माने देवता मान को नहीं आसुद्ध विचार करंतु मोर साधु संत ज्ञान पंडित विवेकी बोहदय माँ भौनी माने विचार करंतु से दिन पांडव मान को देखी कृष्ण आ बलराम भाविले भगवान अकर्म कर्म दायक देव देव महादेव को स्मरण कले स्मरण कले शिव आसिले जादव सैन्यमान पांडव सैन्यमान जाउछंती संग्राम करिया पाई एठी भाई मोर बसछंती आउ अल्प समय अछि प्रश्न गोटाए देवी भाई भाई दबे कहुनांती कोन प्रश्न कोन ना जो पांडव पांच भाई पांडव पांच ये पांडव पांच भाई शंख जो बजान से शंखर नाम कोन अच्छा बसिक सेट उत्तर दियम आमे आगो कुजीबा जहा अति सुंदर प्रश्न एथिपाई गीतार गोटे श्लोक अछि पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय पंड्रो दध्नो महासंघ भीम कर्म मृकोदर अनंत विजय राजा धर्मराज युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पकम दुईट श्लोक अछि भगवान नारायणंकर शंखना पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय अर्जुनंकर शंखनाम देवदत्त पंड्रौ दध्रौ महाशंख भीमंकर शंखना होची पंड्रौ अनंत विजय धर्मराज युधिष्ठिरंकर नकुल सहदेवंकर होची सुघोष मणिपुष्पकम जाओ भाई बर उत्तर देइछन ठीक जानिछन सब जानिछन जे बेले बेले कानो जिनस गोडे लगै दियंत गोडो जिनस काने लगै दियंत उठले एडजस्ट सर लगौछन ना छाडुछन कि हां पांडव पांच भाई देवता मान को नहीं कृष्ण बलराम विरुद्ध रे चलिछन युद्ध पाए बोले कृष्ण आम सहित युद्ध करी छांदपदे बोलिबी उत्कल घंट जदुमणि महापात्र कले बोलो बोलो हां राग चोखी हो देखिया कोन कहले कौन कहले दलितांजन प्रकार प्रति करू चिर माने कृष्ण को विभिन्न प्रकार निंदा करी गाली दे दे चली छम जीवा बेले कोन सा आसु छम ते युद्ध करिया युद्ध सिना हबो केमिति हबो चली छ आ गया युद्ध भूमि रे समस्त पहुंच जाइ छम पहिले भिडा भिडी गोटा गोटी कोचो ढाको जड़ी भला रे भला कोचो ढाको जड़ी भिडी गोडा गोडी कोचडा कोचडी फुपडा फुपडी युद्ध चली छति के नुह मथुरा मंगल भक्त चरण दास आउडा पद बोलु छी राग हो आहार राग हां बोलले सिना आबो हां आउ कोन कहले कहले बा हे बंधा बंधी मुंडे कोडा कोडी
আজি বাহার এটি পাণ্ডব সৈন্য যাদব সৈন্য মানকর ভিতরে যুদ্ধ চালিছে এই কথা কো দেখিলা কে সেনা উর্বশী ও যেতলে উর্বশী দেখিছন্তি কইলা লড়া নাহি আউ সংগ্রাম তুছ তুরঙ্গি লাগি তুরঙ্গি নুহেতি উর্বশী ছিলি মুহত ভাগি মু নুহ কুরঙ্গি না 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 মু হতই নু মু হচ্ছি এক উর্বশ উর্বশ অপসরি অভিশাপ পাই স্বর্গ চিউতা হই মর্ত্য কো আসিছি দুর্বাসা আউ মোর মুক্তির বাট দুর্বাসা কইথিলে যৌ দিন অষ্টবজ্র মিলন হব সেই দিন তুমি সেই দিন তম সোদে তুমি ফেরি পাই স্বর্গপুর স্বর্গপুর কো আসিব আজি আউ যুদ্ধ করিবা দরকার নাই লড়া নাই আউ সংগ্রাম তুছ তুরঙ্গি লাগি শিব চক্র জম তপন সমীরণ কারিকা কেশব ফাল্গুনি মিশিলে অষ্টভদ্র মারিকা শিব শক্র যম তপন সমীরণ কালিকা কেশব ফাল্গুনি এ সমস্ত এতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছে যাই সৈন্য মানকর যুদ্ধ চালিছি ইয়ে মনা করে দিলে আর যুদ্ধ কর নাই অষ্টবজ্র মিলন হয়েছি মু যৌ জায়গার আসছিলি আজি মু সে জায়গাকু চালি যাচ্ছি কথাটি সম্পূর্ণ হয়েছি এইটি কথাটি সম্পূর্ণ হলা এনে কি দিন জন সংরক্ষণ মহাবাহু দিন জন সংরক্ষণ মহাবাহু আনন্দ সাগরে বীর দরবারে হরিবল হুল দিয়া বিশ্বর দুঃখ দূর আপন মানে শুনিলে বাদীপালা প্রসঙ্গ অষ্টবজ্র মিলন শিবঙ্কর শক্তি কালিকাঙ্কর শক্তি সূর্যঙ্কর শক্তি অগ্নিঙ্কর শক্তি পবনঙ্কর শক্তি বরুণঙ্কর শক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণঙ্কর শক্তি এবং শক্তি হচ্ছে পাণ্ডবেয় বা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনঙ্কর এ সবু শক্তি গোটিয়ে জায়গায় ভেট হওয়া দুর্লভ কথা পরস্পর সংঘর্ষ তো মানে করিবে না সংঘর্ষ কাহিঁকি করিবে অষ্টবজ্র মিলন হও হও উর্বশীঙ্কর সাপমোচন হয়ে যাইছি ভগবান কৃষ্ণ লীলা অবতার স্বরূপ প্রভু উর্বশীঙ্কু মুক্তি করিবা পাই এ প্রসঙ্গকু সিয়ে নির্মাণ করিছন্তি নিজে সৃষ্টি করিছন্তি তেবে এই বাদীপালা প্রসঙ্গকু যেউ গায়ক দ্বয় সুন্দর ভাবরে গান কলে সেমানে হেলে গায়ক কলারত্ন সূর্যেশ্বর মার্থা বা মিত্র প্রিয়ম্বদ মার্থা এবং গায়ক সাগর ত্রিলোচন বেহেরা উভয়ঙ্কু আপন মানক তরফরু অনুষ্ঠান তরফরু অশেষ ধন্যবাদ দেউছু এবং এ প্রসঙ্গ এইটি শেষ করিবা সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগ শেষ হেউছি এবং আপন মানকু পুনি নিমন্ত্রণ রহিলা আপন মানে পরবর্তী প্রসঙ্গরে আউ এক নুয়া রহস্যময় পুরাণ কথা শুনিবে এই বাদীপালা মঞ্চরে আজি পাই বিদায় দিয়ন্তু জয় জগন্নাথ প্রার্থনা ও তরঙ্গ প্লাস রে